बैटल ऑफ तोलोलिंग 1999। चलिए इसके बारे में जानते हैं। कारगिल युद्ध में कई बड़े बैटल्स हुए, जिनमें की बैटल ऑफ तोलोलिंग और बैटल ऑफ टाइगर हिल, जिसने युद्ध का रुख मोड़ दिया। तो चलिए बैटल ऑफ तोलोलिंग के बारे में जानते हैं। मई 1999 की गर्मियों में कारगिल सेक्टर, जो अब लद्दाख में है, उस समय जम्मू कश्मीर में आता था। वहां पर 60 दिनों तक भारत और पाकिस्तान की सेनाएं आमने सामने थी। इस जंग में भारत को कई सफलताएं हासिल हुई। इन्हीं कई सफलताओं में से एक था तोलोलिंग पर फिर से कब्जा करना। तोलोलिंग भारत और भारत की सेनाओं के लिए बहुत बड़ी है। इस पर कब्जा भारत के लिए एक अहम रणनीति विजय साबित हुआ था। आखिर क्यों जरूरी था तोलोलिंग पर कब्जा करना? 13 जून 1999 को इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों को तोलोलिंग से खदेड़ा था। इस रेजिमेंट में सैनिकों के साथ ही पाकिस्तानी घुसपैठिए भी शामिल थे। तोलोलिंग लाइन ऑफ कंट्रोल के एकदम करीब है। इसकी पोजीशन ऐसी है कि यहाँ से श्रीनगर लेह हाईवे, जिसे नेशनल हाईवे 1 के तौर पर जानते हैं, उसे साफ देखा जा सकता है। यह हाईवे लद्दाख को जम्मू कश्मीर और देश के दूसरे हिस्सों को जोड़ने वाला अहम रास्ता है। पाकिस्तान सेना तोलोलिंग से कई हाईवे को लगातार निशाना बना रही थी। इस हाईवे पर हमला यानी युद्ध में जीत का तय होना। तोलोलिंग पर कब्जा आसान नहीं था और कई दिनों तक इस पर कब्जे के लिए युद्ध चला। कारगिल के द्रास सेक्टर में तैनात 18 ग्रेनेडियर्स को तोलोलिंग की चोट पर भारतीय तिरंगा फहराने का आदेश मिला था। तोलोलिंग पर कब्जा किए बिना दुश्मन को पीछे धकेलना आसान नहीं था। हजारों फीट की ऊंचाई पर बैठे घुसपैठियों को भगाने के लिए मेजर राजेश अधिकारी अपने जवानों को लेकर आगे बढ़े। पहले बताया गया कि घुसपैठियों की संख्या 4 से 5 के बीच है, लेकिन जब सेना वहां पर पहुंची तो पूरी एक कंपनी मौजूद थी। तोलोलिंग टॉप पर होने की वजह से वे एक मजबूत स्थिति में पहुंच गए थे। टॉप पर होने की वजह से पाकिस्तानी घुसपैठियों लगातार इंडियन आर्मी पर नजर रखे हुए थे। भारतीय सेना के अफसर और जवानों के जज्बे का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सबने खाने के पैकेट की जगह गोली बारूद साथ ले जाना बेहतर समझा था। पाकिस्तानी सेना को जैसे ही आहट मिली, उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में 18 ग्रेनेडियर्स के 25 जवान शहीद हो गए, जिनमें मेजर राजेश अधिकारी भी शामिल थे। इसी समय कर्नल कुशल ठाकुर ने मोर्चा संभाला और लेफ्टिनेंट कर्नल विश्वनाथन भी उनके साथ आ गए। 2 और 3 जून को पूरी योजना बनाकर फिर से हमला किया गया, लेकिन इस बार भी असफलता मिली। 2 राजपुताना राइफल के मेजर विवेक गुप्ता 90 जवानों के साथ हमले के लिए आगे बढ़े। मेजर गुप्ता .4950 पर कब्जा करने वाले थे कि अचानक 12 जून को दुश्मन ने फिर से फायरिंग तेज कर दी। 13 जून को हवलदार यशवीर सिंह पाकिस्तानी सेना के पंखों पर टूट पड़े। उनका यह साहस भारतीय सेना के लिए विजय में तब्दील हो गया। भारत ने तोलोलिंग से दुश्मनों को खदेड़ा और इस चोटी पर भारतीय तिरंगा फहराया। युद्ध के बाद मेजर राजेश अधिकारी, मेजर विवेक गुप्ता और दिगेंद्र कुमार को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही कर्नल विश्वनाथन और हवलदार यशवीर सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो ये था बैटल ऑफ तोलोलिंग के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। सी यू अगेन ऑन टीम जीरो।